अ सिलिंड्रिकल वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर का एक होल करना है, ठीक है, बेस में 0.2 का, यहाँ बेस में बॉटम, इज फिल्ड विथ वाटर। इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 79 पर सेकेंड, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 79 पर सेकेंड, और जी इतना लेना है, मैक्सिमम हाइट टू विच वेसल कैन फिल्ड विदाउट वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल। तो यहाँ से वाटर आप फिल करेंगे तो इस पे प्रेशर आएगा, इस होल पे प्रेशर आएगा, यहाँ पे इस प्रेशर के कारण यहाँ का लिक्विड का मॉलिक्यूल एक फोर्स फील करेगा। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो एच हाइट तक अगर टैंक भरा हुआ है तो प्रेशर रो जी एच बेस में लगाएगा, और एरिया बेस का जहाँ पे ओपनिंग है उसका पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो उस ओपनिंग में इतना फोर्स फील करेगा यहाँ का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो, ठीक है। अब वो लिक्विड मॉलिक्यूल जैसे ही नीचे गिरेगा, ये सब मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे, वो नीचे गिरेंगे जब, तो यहाँ पे होल में ऐसे जैसे है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल ऐसे शेप बनाएगा, तो वो एडहेसिव फोर्स यहाँ से लगने लगेगा उस पर। तो सरफेस टेंशन, ये एडहेसिव फोर्स, और उसके नीचे दो मॉलिक्यूल है, ये ग्लास का मॉलिक्यूल होल्ड करके रखेगा इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल अपने नीचे वाले होल्ड को होल्ड करके रखेगा। तो सरफेस टेंशन इंटू 2πr, यहाँ सरकमफेरेंस अगर इसका है तो टी इंटू 2πr फोर्स, ऐसा फोर्स है जो उसको बचा रहा है नीचे गिरने से ड्रॉप को, और प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स गिरा रहा है, तो दोनों को इक्वल मैं कर दूंगा, उतने हाइट तक भर जाएगा ये, ठीक है। तो इससे हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी इंटू 2πr डिवाइडेड बाई, ये सब डिवाइड कीजिए, रो जी एच तो उधर है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी इसमें सब कुछ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है कितना है इसका, 0.2 mm पुट कर दीजिए, पाई का वैल्यू 3.14, जी लिखा है इसने कि 980 लेना है, रो वाटर का डेंसिटी होता है सी जी एस में 1, और सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है 79 पर सेंटीमीटर, सब पुट कर देंगे तो एच आ जाएगा यहाँ से कि कितने हाइट तक पानी आप भर पाएंगे।